फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन आई एम बैक विद अनदर न्यू रिएक्शन वीडियो। यस, बट वीडियो इज़ ओल्ड बिकॉज हम पहले भी इस वीडियो को देख चुके हैं। सेकंड टाइम आई एम वॉचिंग। हमारा दिल कर रहा था लाइक इस वीडियो को वापस से देखने का, दैट्स वाई। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, हिट द लाइक बटन, ड्रॉप अ लवली कमेंट। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो इज वी आर द वर्ल्ड कवर बाई चिनलुंग चौक आर्टिस्ट। ओके, happening in Myanmar. More than 3,000 innocent lives have been taken and at least 800 are detained. Ongoing military killing and imprisoning opponents, attacking innocent civilians by the military junta. Current airstrikes in Mindet and Camp Victoria, also hitting the Indian border. It's been exactly 2 years since the Myanmar military coup has taken over. Many Chin refugees have fled to Mizoram to find shelter and safety. Some are currently living in a stable camp. लास्ट टाइम हमने इस वीडियो को देखा था एंड रिएक्शन दिया था, तो इसमें जो ट्रांसलेट था वो हमने इंग्लिश का किया हुआ था। तो बहुत सारे लाइक हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाया था प्रॉपरली, सो इस बार हमने ऑटो करके हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया हुआ है। मे बी के सबको ईजी रहे, जितने भी मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए ईजी रहे। Seek justice and democracy. We can make this world a better place, you and me. Chinlung Chuak Artist represents We Are the World. We Are the World. So, बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना दिल से, एक दुख जो बोलते हैं लाइक एंड प्रे फॉर Myanmar, रियली। जब हमने ये लास्ट टाइम देखा था वी आर द वर्ल्ड, तो हमें ऐसा कोई अंदाज़ा नहीं था इस बारे में कि ये किस रिलेटेड होगा या कुछ। हमें लगा जस्ट एक नॉर्मल सॉन्ग है, जस्ट वी आर द वर्ल्ड करके जिसका टाइटल है। बट जब हमने इसका स्टार्टिंग देखा था सो हम बहुत ज़्यादा शॉक जो बोलते हैं हो गए थे, ओ माई गॉड वाला। एंड बहुत दिल से जो बोल देना, बहुत दुख हुआ देख कर जानकर। सो बिल्कुल बदलाव हर चीज़ में आता है एंड बस ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस रखने की। सो एक्चुअली इट नॉट अ सॉन्ग, यस ये सॉन्ग नहीं है, हम इसको सॉन्ग नहीं कह सकते हैं। ये एक्चुअल फीलिंग्स हैं, रियलिटी है जिसको एज अ सॉन्ग प्रेजेंट किया जा रहा है। We are the world. सिंगर्स की बात करें तो क्या वॉइस है इन लोगों की, वॉइस में लाइक कितना पेन है ना अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, पेन जो होता है ना इट्स एक्चुअल पेन, ये रियलिटी है। तो ये जो लाइक वॉइस है ना, ये दिल से जो बोलते हैं ना, सोलफुल सिंगिंग। इनका एक बैंड भी है जो कि अभी हमने देखा, बड़ा अच्छा है। कुछ पांच छह लोगों का ग्रुप है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एंड काफ़ी अच्छा जो लाइक म्यूज़िक है ना बैकग्राउंड, वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। Turning stones to blue.
इसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं वी आर द वर्ल्ड में जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी की वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है एंड हार्टफुल सिंगिंग रियली। हालांकि यहाँ पर हम तो जस्ट एज अ सॉन्ग सुन रहे हैं, बट जो म्यांमार के जो लोग हैं वो एक्चुअल सिचुएशन को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा लाइक हार्ट टचिंग जो बोलते हैं ना, एक एक्चुअल सिचुएशन को आपके कुछ आपके साथ हुआ है लाइक कोई एक्सीडेंट कोई सिचुएशन ऐसी आई है उसको एज अ सॉन्ग प्रेजेंट किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं बहुत पेनफुल होता है। तो जो म्यांमार के जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल है एंड इस सॉन्ग को जितने भी लोगों ने सुना है मोस्टली लोग रो गए हैं, सो क्राइंग, यस मोस्टली लोग बहुत सा, फिर वही चीज़ यू कॉल इट्स रियलिटी नॉट अ सॉन्ग। वाओ, हमें लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूजन में है, ये जो सिंगर्स हैं ये भी म्यांमार से हैं या फिर ये कहीं और के हैं, तो प्लीज़ कोई कमेंट सेक्शन में हमें बता कर जाइएगा। ओ वाओ, व्हाट अ ग्रेस, इट कॉल्ड रियली ग्रेट परफॉर्म जो बोलते हैं ना, बहुत ही प्यारा परफॉर्म है ये, रेस्पेक्टेड परफॉर्म। दे आर मैनी आर्टिस्ट रियली, हम तो देख भी नहीं पाए कितने थे बट बहुत ज़्यादा हैं एंड सभी की जो वॉइस है बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल फेस एंड ब्यूटीफुल हार्ट के साथ जो बोलते हैं ना सोलफुल सिंगिंग रियली। We are the world. Oh, we are the children. Oh my God, what an amazing lyrics. We are the world. We are the children. Oh my God, just heart touching. जो बोलते हैं really. Actually, I have no words. एंड रैप लिरिक्स ऑल्सो टच पीपल्स हार्ट रियली, बहुत रैपिंग भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है जस्ट रैपिंग, रैपिंग में जो लिरिक्स हैं जो वर्ड्स हैं वो भी लोगों के दिल तक टच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइक इसके इस सॉन्ग के लिरिक्स जिसने भी किए हुए हैं। We are the world. We are the children. I am not from Myanmar, but I am feeling the pain of Myanmar peoples, really. तो इनके जो लाइक हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे हमारे लास्ट वीडियो पर, जिस तरीके से लोगों ने अपना पेन कमेंट्स के थ्रू जस्ट लिख कर दिया हुआ था, सो वो हमने रीड किए थे हमने एंड हमने मोस्टली लोगों को रिस्पांस दिया हुआ है, आई थिंक सभी को दिया हुआ है, सो बहुत हमें देखकर बहुत ज़्यादा पेन हुआ रियली, हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सी हुई जस्ट रीड कर हमें इतनी तकलीफ़ फील हुई। सो जो लोग वहाँ पर हैं एक्चुअल वे में उनको कैसा फील होता होगा, या आई हैव रियली नो वर्ड्स।
यार, प्रे फॉर म्यांमार, सभी लोग म्यांमार के लिए प्रे करें रियली। एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस हाउ टैलेंटेड दे ऑल। यस, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ब्यूटीफुल वॉइस के साथ, बहुत हार्टफुल सिंगिंग जो बोलते हैं। एंड सभी लोग म्यांमार के लिए प्रे कीजिएगा कि अल्लाह वहाँ के जो भी तकलीफ़ें, जो भी हालात हैं, उनको सुधार दे। आमीन सो आमीन। अमेजिंग यार, इट इज़ रियली अमेजिंग। जैसा कि हमने बोला, इट इज़ नॉट अ सॉन्ग, इट इज़ नॉट अ लिरिक्स, इट्स अ इनर वॉइस ऑफ म्यांमार पीपल। यस, ये उनके अंदर की आवाज़ है जो वो कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प अस, जो बोलते हैं ना, उनकी हेल्प की जाए। सो ये वो चीज़ है। अगर आप इसको एज अ सॉन्ग देखेंगे तो शायद आपको उतना फील ना हो, बट अगर आप ये देखेंगे कि कोई इंसान रियलिटी अपनी शेयर कर रहा है हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, तब आप उस पेन को फील कर पाएंगे। बहुत प्यारी सिंगिंग की गई है, रियली बहुत अच्छी सिंगिंग की गई है। बट आई एम कन्फ्यूज्ड कि ये लोग म्यांमार से ही हैं या कहीं और से हैं। आई थिंक म्यांमार के नहीं है जहाँ तक हमें लग रहा है, कहाँ के हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बता कर जाइएगा। वो अमेजिंग, वाओ, व्हाट अ ग्रेस इनर वॉइस, बहुत अच्छी वॉइस है, बहुत ग्रेसफुल है। एंड रैपिंग बहुत अच्छी कर रही है, एक्चुअली दिस इज़ अ इनक्रेडिबल लव ऑफ मैसेज रियली। म्यांमार के लिए जो लव शो किया गया है, जो मैसेज दिया गया है एक सॉन्ग के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा तारीफ काबिल जो बोलते हैं, रियली क्लैपिंग बन रही है। ओ अमेजिंग यार, व्हाट अमेजिंग रैपिंग, व्हाट अमेजिंग, बहुत ज़्यादा अच्छे जो बोलते हैं। एंड वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त रैप जो बोलते हैं, हमें सुनने में रियली अच्छा लग रहा है। हालांकि हम सेकंड टाइम इसको देख रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं लग रहा कि हम सेकंड टाइम देख रहे हैं। एंड उतना ही जो पेन बोलते हैं, फर्स्ट हमने जब देखा था तो हमें बहुत अफसोस हुआ था देख कर। सो वैसा ही फील, उससे कहीं ज़्यादा एक्चुअली अब हम फील कर रहे हैं इसको रियली। We are the world, we are children, it is amazing really। ये जो इसका सिग्नेचर लाइन है, we are the world, we are the children, ये बहुत हार्ट टचिंग है, बहुत अच्छा है। मतलब हम कह नहीं सकते, ये बहुत ज़्यादा दिल को जो बोलते हैं ना, दिल को टच कर रही है लाइन। We are the world. Yes, सबका साथ जो बोलते हैं ना, सबका साथ होना चाहिए, सबको अच्छे से रहना चाहिए। We are the world, we are the children, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर क्यों नहीं करता कोई इंसान यार। We are the world, we है ना, and we are children, so इसको अगर कोई अंडरस्टैंड करे अच्छे से, तो सब लोग एक साथ रह के
बहुत अच्छा जो बोलते हैं ना, लाइक बहुत बेटर वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर सकते हैं प्यार के साथ, जिसको बोलते हैं। So amazing, really. ये बहुत अच्छा जो बोलते हैं ना, बहुत अच्छा इसको ये बहुत अच्छा है एंड इसके लिरिक्स बहुत अच्छे, बहुत हार्ट टचिंग। साथ ही सिंगर्स की जो वॉइस थी वो बहुत अच्छी थी। एंड इन द एंड भी हम प्रे करेंगे म्यांमार के लिए एंड उम्मीद करेंगे कि सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वो सभी लोग म्यांमार के लिए प्रे करेंगे। यस, बिकॉज वी आर द वर्ल्ड एंड वी आर द चिल्ड्रेन एंड वी कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर प्लेस। या सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा नाउ। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।